आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई लेके आई हूँ जो कि मिठाइयों में सबसे ज़्यादा खासम खास यानी कि पसंद की जाने वाली मिठाई होती है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना कुछ कम मीठा होता है। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, होता तो वो गुलाब जामुन की तरह ही है, लेकिन जो इसका सीखने वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है, तभी ये काला जाम बन के बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। तो इनको घर पर बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको बनाने के लिए बस आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा और इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपके साथ छेने की रेसिपी शेयर करूँगी स्टार्टिंग में। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर पानी ले लिया है और पानी को मैंने गर्म कर लिया है। इसमें हमने डाल दिया है एक चम्मच सिट्रिक एसिड। यहाँ पर मैंने दूध को गर्म कर लिया है, एक उबाल दे लिया है अच्छे से और हल्का सा दूध का टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये साटरी वाला पानी डाल के इसका एक छेना तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो है छेना तैयार हो चुका है, अब इसको हम निचोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बाउल ले ली है, उसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और उसके ऊपर एक कोई भी कॉटन का कपड़ा रख लेंगे। आप हमेशा छेना बनाते वक्त ध्यान रखें कि जो कपड़ा है वो आपका बहुत ही बारीक होना चाहिए, तब छेने से पानी बहुत आसानी से रिलीज़ हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये छेना डाल दिया है, अब हम इसको हल्का सा यहाँ पर निचोड़ देते हैं, या आप इसको 10-5 मिनट के लिए ऐसे हैंग भी कर सकते हैं ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो मैंने इसको अच्छे से यहीं पर निचोड़ दिया है और अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हम इसको 5-1 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं और फिर इस पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुकी है और अब ये इतना ठंडा हो रहा है कि मैं इसमें आसानी से काम कर पा रही हूँ। अब हमें इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल इसको हमें सॉफ्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने छेने को तो सॉफ्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 400 ग्राम मावा। तो ये मावा मैंने घर पे ही बना के तैयार किया था और आपको ये पीला नज़र आ रहा है क्योंकि ये गाय के दूध का मावा है। तो छेना और मावा हमें बहुत ही बढ़िया से तरीके से मिला लेना है। तो इसका हमें एक डोसा तैयार करना है, जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं कुछ इस तरीके का इसका टेक्चर आना चाहिए। तो यहाँ पर खोया और जो छेना है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 100 ग्राम मैदा। मैदा को मैंने पहले ही छान लिया है और यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच के जितना कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, आधा चम्मच से बहुत कम डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको बढ़िया से तरीके से मिला देंगे खोए में और छेने में। तो जो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है वो इसलिए लिया है ताकि जो हम यहाँ पर बॉल बनाएंगे उसके फटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। जो कॉर्नफ्लोर होता है वो चीज़ों को फटने से बचाता है। अक्सर हलवाई लोग जो गुलाब जामुन बनाते हैं फिर ये काला जाम बनाते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर का ही यूज़ करते हैं। तो अच्छे से मिला देने के बाद यहाँ पर डो बिल्कुल तैयार हो चुका है और आपको ये ध्यान रखना है कि डो जो है आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे चपाती का डो होता है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना के तैयार करेंगे। तो जो इसकी बॉल बनेगी वो बहुत ही आसानी से बन जाएगी, ये देखिए। तो जब भी हम खोए की बॉल बनाते हैं, गुलाब जामुन की या फिर काले जाम की, तो बस बॉल का ही खेल होता है। उसकी बॉल अगर क्रैक फ्री ना बने तो वो तेल में जाने के बाद फटती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा फूलती है। और जब आप इस तरीके से ये काला जाम बनाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ बॉल बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी और तेल में जाने के बाद भी बहुत ही अच्छे से सीखेगी। अब बारी आती है यहाँ पर चाशनी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी और 1 लीटर पानी ले लिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करते हुए इसको बढ़िया से पका लेंगे। तो इसकी जो चाशनी बनाई जाती है कोई तार वाली नहीं बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाई जाती है। इसकी चाशनी हमें कुछ ऐसी बनानी चाहिए ताकि बस वो चिपचिपी रहे, जो हमारे यहाँ पर गुलाब जामुन या फिर हम काला जाम बनाएंगे वो अच्छे से जूसी बन सके। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल तैयार है। इधर मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है, तो मीडियम गरम तेल होना चाहिए हमारा, ना तो ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गरम। स्टार्टिंग में एक बॉल डाल के देखेंगे, अगर तेल का टेम्परेचर और बॉल का जो सिस्टम है हमारा बनाया वो सही है तो फिर हम आगे की बॉल डालेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बॉल डाल के देखी, तेल का टेम्परेचर भी सही था और जो हमने बॉल बना के तैयार की थी ना तो वो फूली है और ना ही फटी है, तो बिल्कुल बढ़िया थी। तब मैंने यहाँ पर ये बनाई हुई पहले बैच की सारी बॉल डाल दी है। अब मैं इस जो काले जामुन की रेसिपी को 10 से 12 बार ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है। जब आप इनको चलाओ तो थोड़ा सा सेफ्टी से चलाओ। गुलाब जामुन का आपको टच नहीं करना है, बस तेल को घुमाना है और इस तरीके से जब कलर आ जाए इनमें, डार्क ब्राउन आ जाए, तब इन्हें सेक लेना है। इससे ज़्यादा आपको ये तेल के अंदर नहीं सेकना है और गरम गरम चाशनी के अंदर इसको डाल देना है।
तो ये देखिए यहाँ पर जो है पहला बैच सिक्के हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से मिला देते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताऊंगी, ये गुलाब जामुन तैयार होने में आपके केवल 5 मिनट भी नहीं लेंगे, आपका दूसरा बैच नहीं बनेगा और ये पहला बैच तैयार हो गया होगा। ये देखिए तो अभी अभी मैंने यहाँ पर दूसरा बैच डाला है और ये देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, जूसी हो रहा है। तो ये जो काला जाम है इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है चाशनी के अंदर नहीं रखा जाता है, तो आप इसको बस ज़्यादा ज़्यादा आध घंटा या फिर 1 घंटा के लिए चाशनी के अंदर रखें और फिर चाशनी के अंदर से निकाल लें, क्योंकि ये थोड़े सूखे सूखे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तब इनमें मीठा कुछ कम भी लगता है। तो यहाँ पर जो है हमारे बहुत सारे काला जाम बन के तैयार हो चुके हैं, और जिसको ये जूसी खाना ज़्यादा पसंद है तो आप चाशनी के साथ इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। तो लाजवाब लगने वाली ये काला जाम की रेसिपी बनाना देखा बहुत आसान है। अगर आप भी यही जो मैंने आपको बताया है यही ट्रिक को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके जो काला जाम है ना ऐसे बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम स्टफ्ड काला जाम या फिर स्टफ्ड गुलाब जामुन बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा जूसी। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कितना जूसी बना है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा काला जाम बनकर तैयार हो चुका है, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है अगर आप इस तरीके से ये काला जाम बनाओगे। और अगर आप चाहते हो इसको नारियल का जो बुरादा होता है उसमें कोट करना तो उसमें भी कर सकते हो। अक्सर सादे ब्याहों में मैंने इसी तरीके के ये काला जाम देखा है। तो आज की ये छोटी सी रेसिपी दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।